खड़ी होंगी सबसे ऊंची जगह पे खड़े होकर के, अब गिजरा रही है, ठला रही है, इन्हें पता नहीं है इनकी अम्मा भी यही होगी, अब्बा भी यही होगा, जिनके ये दुपट्टे, जिनकी ये चुटिया, जिनके ये हालात हैं, समंदर से आई हैं ये बैठे, आसमान से उतरी हैं, इनका कोई बाप तो होगा, इनकी कोई माँ तो होगी, इनका कोई भाई तो हो, कहाँ गई शर्म है गैरत, अरे बाप कौन है बाप, जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के ये दुपट्टा एक तरफ को टांग ले, उसका जिस्म दिख रहा, वो बाप समाज में जीने के लायक कहाँ है। मेरी बात तुम्हें कर्री लग रही होगी, मगर सही बता रहा हूं, बाप कहां है वो? ऐसे कहते हैं, अब हदीस सुनो, नबी फरमाते तीन लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, और दूसरा दयूस है। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, बेपर्दा कपड़े पहन रही हो, और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे हो, वो लफंगीगिरी कर रही हो, उनके पहनावे से, चालो चलन से माँ बाप राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और नबी फरमाते दयूस जन्नत में जा ही नहीं। अल्लाह। एक सहाबी मेरे नबी ने सहाबा इकराम के दरमियान कह दिया कि अगर जिसकी तीन बेटी हो और उन तीन बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनके घर तक पहुंचा दे, वो जन्नत का हकदार हो जाता है। जी। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी दो बेटी हो, ऐसे भी तो जिसकी दो, जी, जी। का आका अगर जिसकी दो हो, नबी बोले सही परवरिश कर दे उनकी भी, इस्लाम के तौर तरीके पर रहे, वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। एक सहाबी और खड़ा हुआ, आका मैं भी पूछना चाहता हूँ, तुम क्या पूछ रहे हो? का आका अगर किसी की एक हो तो, सुभान अल्लाह, ऐसे भी था जिनकी एक हो, का आका अगर किसी की एक हो तो, नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, इस्लाम के तौर तरीके पर चाल और चलन पर रहे, वो भी जन्नत। सुभान अल्लाह। तो यार एक तरफ तो बेटियों से जन्नत मिल रही जी, और एक तरफ बेटियों से जहन्नम, एक तरफ जन्नत में जाएगा और एक तरफ जन्नत से रुकावट। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कई कई बच्चों के ये पुराने लोग पूछो, तवज्जो, पुराने लोग कई कई बच्चों के ये बाप हो गए, मगर इन्होंने कभी भी आंगन में बैठ के माँ बाप के सामने मियां बीबी ने एक प्लेट में कभी नहीं खाया होगा। कितनी शर्म हया, ये हयाती हया, ऐसा नहीं है ये मियां बीबी प्यार नहीं करते, कई बच्चे हो गए इनके, मगर हया। और आज आज शादी हुई, कल को गले में हाथ डाला, साड़ी पहनाई, और मुहर्रम में और मेले में घुमाता फिर रहा था। शादी में गए, हाथ में हाथ डाला, उधर एक तरफ कुर्सी पे बैठे हुए हाथ पे हाथ मार के खाने खिलाए जा रहे, सास कह रही मेरा दामाद कितना अच्छा है, अच्छा ये लफंगा, सास कह रही मेरा दामाद हरियत को दे अल्लाह, अच्छा इस लफंगे को, अरे ये अच्छा है, ये लफंगा है जिसे दुनिया वालों की खैर हो रही है, वो शौहर जो अपनी बीबी को बेपर्दा घुमाए, जो आवारा घुमाए, फैशनेबल कपड़े पहनाए, उसके पहनने से राजी हो, वो शौहर दयूस है, दयूस है, और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। सैयदा फातिमा ने एक मर्तबा नबी ने कहा फातिमा मांगो, आज मेरी तबीयत खुश हो रही, फातिमा तुम मांग लो। किसने कहा? हजरत अली ने। किसने कहा? बोलो हजरत अली ने कहा सैयदा फातिमा से कहा मांग लो जी, तुम अपनी बीबी से जाके कहियो। अच्छा मैं कह रहा था फिर भागोगे तुम, हाँ संभल के पाँव न रख जाए। तवज्जो है ना, तवज्जो है जी। अब कभी अगर मैं आऊ ना तो इंशाल्लाह जल्दी टाइम पे बैठेंगे, और मैं आऊंगा
इंशाल्लाह। अब मैंने तो यहाँ घर बना लिया ना यहीं पे रामपुर में बिलासपुर गेट पे। हाँ पहले चुंगी वाला मजार है, तूबा कॉलोनी उसी में, तूबा कॉलोनी वही मेरी खानका है, समझे? तवज्जो है ना। अच्छा बातें समझ में आ रही? अच्छा सही कह रहे हैं आप, इरशाद कीजिए, इरशाद फरमाइए। तवज्जो, बात कहाँ चल रही थी बताइए, देखो किस किस की याद है। हजरत अली, अल्लाह खैर बरकत, इनको तो मालूम ही है। हजरत अली ने सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा कुछ मांगो जी, तो फातिमा ने ये नहीं कहा हजरत अली से मेरे कानों का कुंडल बनवा दियो जी, समझे? और आज मांगने की बात आ गई तो इतना इतना बड़ा भिखारी पड़ा, कुबड़े भी जहेज में बुलेट मांगना, कुबड़े जी जी, सही बता रहे हो, कुबड़े बुलेट मांगना, कुबड़े जी। बात बात, एक गांव का नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि ये कैच हो जाता मोबाइल में। तो मिस्त्री था वो, उस मिस्त्री ने उसका पिकअप हाई कर दिया और लड़कों ने कह दिया उस कुबड़े से इस पे टंके तरह किक मारो बुलेट का। अब नई नई शादी हुई थी जी, तो कुबड़े भी कोई जमीन पे पांव थोड़ी रख रहे थे, बुलेट मिल गई तो जी। तो अब जो था उसने बुलेट पे टंके और जब मारिए किक और बुलेट ने फेंका, कुबड़ा गिरा उधर जाके, टूट गया दूसरा कूला भी। अरे यार, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया जी, 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 जी। कार मांग लेगा कार और तीन महीने तक खड़ी रहेगी, छह महीने के बाद 1,00,000 रुपए कम में कोई खरीद ले, खरीद तेल नहीं पड़ पाता तेल। सही बात, सैयदा फातिमा, लड़की देखने जाओ ना तो उसके मालो दौलत नहीं, पहले देखो उसकी सीरत, सौम सलात की पाबंद है कि नहीं जी, सुन्नी है कि नहीं, समझ में आ रही? ये देखो, मगर कौन जाएंगे समदन, समदन को इतनी लंबी झुमकी दे दी, समदन बोली इससे अच्छी लड़की तो पूरे गांव में ही नहीं है। सही बात, वो भी उन्हीं पर लटक गई झुमकियों पे जी। कहा हजरत अली बोले फातिमा से मांग लो, तो फातिमा ने मांगा क्या यार ये बता दो। सैयदा फातिमा, ये नहीं कहा कि मुझे कपड़े अच्छे वाले दे दो, मुझे सोना चांदी दे दो, हीरे जवाहरात दे दो। तुम अगर मांग के देखियो ना, मांग ले बीबी से क्या मांग रही है, तो वो छूटते ही है कि एक आध दो तोले सोने का हार बना रहा। बहरहाल जो भी मांगे है नहीं अच्छा तरह जी, तवज्जो है ना मेरी तरफ। आप हजरत अली ने कहा मांग लो, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, कहा नहीं मेरे सरताज, आप अगर राजी हैं, मेरे बाबा जानी राजी हैं, अल्लाह राजी है, तो फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया होगा। बेशक, कहा नहीं फातिमा, आज मैं कह रहा हूं ना शौहर हूं मैं, कर फातिमा मांग लो। सैयदा फातिमा बोली मांग लू, अली पीछे मत हटना, मांग लू। अली बोले आज मांगो, अली बोले मांगो, क्या मांगती हो? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और लड़खड़ाते हुए आवाज में कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकाल देना, मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा ये रोने की बात है, ना तो कुरान में है ऐसा कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, ना हदीस में, तुमने ऐसे क्यों कहा? तो फातिमा बोली आपने ये कहा है ना, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी चीज है वो मांगो। अली ने ये कहा जो आपको, मेरी बहने सुन ले, जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो, जिससे ज्यादा मोहब्बत करती हो, जो चाहती हो वो मांगो। तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरा जनाजा रात में निकालने का क्यों, इसका क्या मतलब है? तो फातिमा बोली अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी इंशाल्लाह अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, मैं चाहती हूं कि जब मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। बेशक बेशक, फातिमा ने पर्दा मांगा और आज
आज वो शादियों में फोटो खींचने वाला यहाँ कांधे पे मशीन रख के घूमता फिर रहा, तो कभी दुपट्टा इधर को तो कभी इधर को, तीन चार जोड़ी निकाल निकाल के सारे फोटो नहीं खिंचवा लेगी तब तक इसे सुकून ही नहीं मिलेगा। जी ये सैयदा फातिमा ने पर्दा माना, और हमारे यहाँ पर्दा सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खिड़कियों पे पर्दा, विंडो पे पर्दा, टेबल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, बीबी बेपर्दा। सही बात, बीबी बेपर्दा जहां होना चाहिए तो पर्दा वहां नहीं है पर्दा। समझ में आ गई बात? जी हाँ, तो यही बातें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह। इसमें कुछ बातें क्योंकि वक्त ऐसा है, मैं आपको इसमें कुछ हंसी की भी बातें आई हैं, वैसी भी आई हैं, और अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। जो बात मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि तुम नौजवानों इस लायक नहीं हो कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख दो। हो जी है, मगर कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखे? बोलो, वो भाई जो अपने हाथों में चूड़ी और कड़े पहनता हो, वो भाई जो कानों में कुंडल पहनता, वो भाई जो बड़े बड़े डीजे रख के शादियों में कूले मटकाता हो, नाचता डांस करता और गाने थोड़ी है गालियां फिट कर ली। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये कूले किसको मटका के दिखा रहा हूं? छत पे क्या पता बहन खड़ी हो, दीवार पे भांजी हो, दरवाजे पे भतीजी हो, क्या पता? ये तमाम चीजें छोड़ दो, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाया करो, माँ बाप की इज्जत करो और बड़े लोगों की इज्जत करो। जो गलत हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए, इनके वालिद मोहतरम की मगफिरत फरमाए। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।